कोरोना संकट को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है। अगर लोग बाहर से आ रहे हैं तो गांव के स्कूलों में बने क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों को ठहराया जा रहा है। उनके भोजन का इंतजाम ग्राम प्रधान ही कर रहे हैं, लेकिन कुशीनगर में जो हुआ वो काफी शर्मसार करने वाला था। यहाँ के भुजौली में सिराज नाम के एक युवक ने दलित प्रधान के हाथों बना भोजन करने से इनकार कर दिया। हालांकि स्कूल में क्वारंटाइन किए गए चार लोगों को भोजन से कोई आपत्ति नहीं थी। इस घटना से गांव की महिला प्रधान और उनके पति काफी दुखी हैं। जब क्वारंटाइन सेंटर में किसी ने मना कर दिया आपके, हम लोग रो रहे थे सर। हम लोग उसमें रो रहे थे। पहली बार हमारे साथ इस तरह घटना हुई। एक तो जो लोग रसोईया लोग नियुक्त थे वो लोग मना करके चले गए। उसके बाद ये लोग खाने वगैरह, इन लोगों को दुख होने लगा तो हमारी पत्नी स्वयं प्रधान, मैं तो प्रतिनिधि हूँ, पत्नी को मैं बुलवाया, बर्तन मंगवाया। हम लोग वही विद्यालय में ही बैठ के खाना बनाने लगे तो लोग उल जुल बोलने लगे। खाना बन गया तो खाना कहे चलिए खाइए आप लोग। तो जो सिराज नाम का मुसलमान था वो कहा नहीं हम नहीं खाना खाएंगे, हमारे हाथ का बनाया हुआ हम नहीं खाना खाएंगे, नहीं तो हमारे जात के लोग हमको कुजा छांट देंगे। हम कहते रह गए, सिफारिश करते रह गए, लेकिन खाना नहीं खाया, भाग गया वहाँ से। उस दिन से अपने घर खाना खाता है। प्रतिदिन हमारी पत्नी खाना बनाती हैं और चार लोग खाते हैं, वो नहीं खाता है खाना। हालांकि युवक की तरफ से प्रधान के घर बने भोजन खाने से इनकार की सूचना जैसे ही यहाँ के सांसद विजय दुबे को मिली, उन्होंने तत्काल प्रधान पति को फोन किया और खुद आकर उनके घर पर खाना खाया। तो फिर मैंने वही कप्तानगंज से फोन किया इस गांव के प्रधान सुभाष गौतम जी को, प्रधान प्रतिनिधि, कि आप के क्वारंटाइन के लोगों ने अगर भोजन करने से मना कर दिया तो ठीक है, आप तहरी बनवाइए, हम लोग आते हैं और आपके साथ बैठ के आपके दरवाजे पर जरूर इसी समय भोजन करेंगे, कि कम से कम इस जिले के, इस लोकसभा के, अभी भी इस मानसिकता के लोग जो चाहे क्वारंटाइन में हो और चाहे अपने गांव के घर में हो, इस बात को तो समझ ही लें। इस समाज की ये रूढ़वादी परंपरा कतई समाज के विकास को आगे नहीं बढ़ा सकता। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना के संकट से लड़ रही है, लोग मिलजुल कर इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में ऐसी घटनाएं काफी दुख देने वाली है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कुशीनगर से संतोष सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, यूपी तक।